अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और एक और मज़ेदार सी रेसिपी, चिकन और आलू के चीज़ बॉल्स बनाए हैं मैंने, पकौड़े बनाए हैं। और फ्राई चिकन के लिए मैंने चिकन को रोस्ट करके रखा है, जस्ट फ्राई होगी शाम को। तो बस यहाँ से मैं अभी फ्री हुई हूँ, यहाँ पर बस यही था मेन्यू, ईजी था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ सेकेंड टर्म पे, और सेकेंड रोज़ा है आज। आप सबको रोज़े बहुत मुबारक हो और दूसरा रोज़ा मुबारक हो। मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ और वहाँ जाती हूँ, ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, आजकल मौसम बहुत अच्छा है कराची का, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब रोज़ा इतना लग नहीं रहा। तो कोई नहीं, चलते हैं दूसरी तरफ। ये चीज़ बॉल्स पे मैं बस ब्रेड क्रम्स लगाती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से। मेरे साथ ही रहना, ब्लॉग को कंटिन्यू करना है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मुझे लगा था खाना बस यही बनना है, पर अभी मुझे बनाना है रशियन सैलेड, जो रह गया बहुत फटाफट बन जाएगा, बहुत इजी है। तो जल्दी से रशियन सैलेड बनाती हूँ और फिर निकलती हूँ, हम व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मेरा रशियन सैलेड भी तैयार है और सामने से मुस्कान टोकरा लेके आ रही है सर पे अपने रख के। जाओ यहाँ से, चलो इसको फ्रिज में रखते हैं। आई मम्मा, और ये देखिए मैंने शहरी के लिए अलग से पकोड़े बनाए, ठीक है। और मैंने वैसे पकोड़े का आटा भी यहाँ पे बना के फ्रिज में रख दिया। और अब हम जा रहे हैं ब्रेड क्रम्स तैयार करने। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो मैं ये डबल रोटी दोनों चॉपर में डाल के इसको ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ इन चीज़ बॉल्स पे कवर करने के लिए। जल्दी से फिर निकलती हूँ। ये देखे इस तरह से बना के रख रही हूँ उनका। जितना इजी ये अभी लग रहा है ना, ये इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है, ये बनाने में बड़ा टाइम लगता है। ये तो लास्ट लास्ट काम है इसका, ये वाला जो मैं कर रही हूँ अभी, ये सबसे इजी है। चीज़ बॉल सारे इसी तरह से बॉल्स बना के ना फ्रिज में रख दूंगी। ना इकराज दूजा रोज है, आज क्या हाल है? बस अभी क्या सुनोगे, आज इकरा डाउन है, इकरा कह रही है कोई होश नहीं है मुझे, आसमान थक गई हूँ मैं बहुत। खैर थक तो मैं भी गई हूँ, पता है इकरा, अभी मैंने वहाँ पे पता है क्या मॉर्निंग वाली जगह पे मैंने क्या क्या बनाया, मैंने चिकन चीज बॉल बनाए और रोस्ट चिकन बनाई और पकोड़े बनाए और क्या बनाया यार, किसी हाँ फ्रूट कॉकटेल बनाया, ठीक है, रशियन सलाद जिसको कहते हैं। और उसके बाद फिर मैंने सेकंड जॉब टर्न पे ना दूसरी शिफ्ट में चिकन आलू के कटलेट्स बनाए बहुत सारे, ठीक है, ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के जिसमें बहुत टाइम लगता है, और चिकन पराठा रोल बनाए उसमें भी टाइम लगता है, ओके। और उसके बाद मैंने क्या बनाया यार, हाँ फ्रूट चाट बनाई क्रीम वाली, दही बड़े बनाए, उसके बाद मैंने दही बड़े भी बनाए, ठीक है। अब वहाँ से भागते भागते मैं यहाँ आई हूँ, और यहाँ का मेन्यू क्या है, इकरा यहाँ पे पिज्जा बनाना है, दो लार्ज पिज्जा बनाना है, ठीक है, चिकन का शोरबा बनाना है, चिकन आलू के पेटिस बनाने हैं, और उसके अलावा वैसे पिज्ज़ा रोल भी बनाने हैं, वो मैं टाइम देख के मैनेज करती हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, वरना सब कुछ की तैयारी कर लूँगी। तो मैं अभी घुसना था और है ना, उसके बाद अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं बना लूँगी, अब नहीं हुआ तो मैं इजाज़त नहीं थी खड़ी। आज भी मेरी बेटी का रोज़ा है तो मुझे जाना भी है जल्दी, ठीक है। कल भी मैंने ऐसे अंदर एंटर हुई और अजान हो गई, तो फिर टाइम बड़ा पता ही नहीं चलता, कसम से पूरा दिन पता ही नहीं चलता मुझे, कब सुबह होती है कब रात होती है।
आजकल मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे देखचे और मेरे ना देखचे हैं और मैं हूँ और खाना है, और बस मैं सबके लिए बना रही हूँ लेकिन अपने लिए बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। घर पे मैंने कुछ नहीं बनाया है, बस कल भी बाजार से लेके और इफ्तार करवा दी थी, फिर देखती हूँ आज। मेरा फ्रिज भी तो नहीं है ना, फ्रिज भी तो ख़राब है वरना बना के इंसान रख देता है, तो ये मसाइल चल रहे हैं। पर हम भी चल रहे हैं, मसाइल भी चल रहे हैं साथ साथ। फिलहाल मैं काम स्टार्ट करती हूँ, पिज्ज़ा की डो बनाती हूँ, उसके बाद पैटिस बनाऊँगी। जब तक डो तैयार हो जाएगी फिर पिज्ज़ा तैयार करूँगी, उसके बाद शोरबा, उसके बाद रोल अगर टाइम हुआ तो, वरना भागूँगी यहाँ से भी जल्दी से। ये तंदूरी नहीं सॉरी पिज्ज़ा और है ना पिज़्ज़ा रोल के लिए मैंने एक साथ ही चिकन को ना डन कर लिया। हाँ मैंने एक साथ ही इसको डन कर लिया, अब इसको फाइनल करती हूँ। एक तरफ मैंने कहा पहले चिकन का सालन फाइनल कर दूँ, उसके बाद ये सब चीज़ें ना बैठ के करने की है, तो मैं ना ये भी साथ साथ कर रही हूँ, सालन भी जल्दी जल्दी बना रही हूँ। इसके तो बर्तन ही नहीं ख़त्म हो रहे बना रही है सारे ये दोनों लार्ज पिज्जा हैं, लार्ज से भी लार्ज हैं, एक्स्ट्रा लार्ज हैं बल्कि। अब ये बेक होंगे, एक बार आप ये करो मैं रोल बना लूं फटाफट। मुझे लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही भागते भागते खत्म हो जाएगी। बस निकल रही हूँ, अल्लाह पाक करे टाइम से बस मिल जाए और इफ्तार से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। हाँ हाँ काट देते हैं, काट देंगे। देखें कल के बाद आज दूसरा दिन आ चुका है, रोज़ा भी दूसरा आ चुका है, लेकिन ना मेरा काम वही का वही है। आज तीसरा रोज़ा है, आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, आलू गोश्त का सालन, वहाँ पे मैंने बनाई थी बेरी बाइट्स और नमकीन गोश्त। उत्ते अखीना की क्या कदर वाम नहीं लगा। अच्छा नमकीन गोश बनाए तो पहली बार सुनाई ओले बोला उत्ते यार तू कंफ्यूज ना कर, लेकिन इस व्लॉग को हम यही खत्म करते, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है भाई। आज के मेन्यू को छोड़ो, एक तरह मसाज को छोड़ो, बस आज नहीं बस कहना ए मैं कहना ही मैं कराने सा देखो। चल चल रे सा इस कल वाले व्लॉग को आज खत्म कर दे, ठीक है। इंशाल्लाह भाई हम दूसरे व्लॉग के साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक तरह मुझे कह रही है सही छोड़ोगे ना, इसी व्लॉग को हम यहां से कंटिन्यू करेंगे आज के दिन को। लेकिन ना चपली कबाब बना रही है, लेकिन ना कल वाले ब्लॉग को हम यही एंड करते, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया, और है ना अच्छा अच्छा रमजान गुजारे, अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा ये तो अभी गाने गा रही थी मैंने कहा रमजान है अल्लाह अल्लाह करो। देखे कल था और आज दूसरा दिन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ना मैंने ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया मेरे भी थोड़े दिन है अभी भी, मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम करना है, कभी कबाब बनाने, आलू गोश्त बनाने, उसके बाद पता नहीं क्या 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 क्या। लेकिन इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, अगले ब्लॉग तक के लिए क्या बोलेगा इंतजार करना मेरी तरफ से। खुदा हाफिज कहना अगी तो दिखाऊं मैं ना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इस ब्लॉग को तो तुम खत्म करने दो। अच्छा खत्म करने वहाँ बोला उसे ना हाँ।